उमरिया जिले के पाली गेस्ट हाउस में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने की प्रेस वार्ता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने से भाजपा आम जनता तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचा कर बताएंगे। आम जनता तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुए विकास कार्य को जन जन तक पहुँच कर बताएंगे और जो पात्र हितग्राही को योजना का लाभ नहीं मिल पाए उनको लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। साथ ही यह कार्यक्रम 30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश में चलेगा, जिससे कार्यकर्ता गांव गांव जाकर प्रवास करेंगे। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे घर घर पानी, शौचालय निर्माण, सड़कों का जाल, बिजली और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का सीधा लाभ जनता को पहुँचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। उनके उपलक्ष में आज हमारी सारी विधानसभाओं में विधानसभा स्तरीय रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री के 9 वर्ष की कार्यकाल की पूर्णता पर आज भारत हमारा आर्थिक रूप से समृद्ध, स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना है। निश्चित ही माननीय मोदी जी के प्रयासों से, माननीय मोदी जी के नेतृत्व से भारत ने आज विश्व में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। चाहे अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर की बात करें हम, या मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने की बात करें हम, निश्चित ही भारत के मनुष्यों का आज जीवन स्तर उच्च और सार्थक बना है। वह कहीं ना कहीं हमारे सरकार की योजनाओं के कारण फलीभूत हो सका है। प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं ने आज हर घर तक उन योजनाओं का अमली जामा पहनाया गया है और हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं से जुड़कर अपने जीवन स्तर को सुधार रहा है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी कॉरिडोर और इस प्रकार से विविध रचनात्मक कार्यक्रम समाज में हुए हैं, चाहे वह धर्म की बात करें, आध्यात्म की बात करें, समाज को ऊंचा उठाने की बात करें और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी जगह सर्वव्यापकता के साथ मोदी जी की सरकार ने सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी इस भावना के साथ सबका साथ सबका विकास के साथ काम किया है। आज हम हर विधानसभा में जाकर विकास तीर्थों में हमारे नेता घूम रहे हैं। विकास तीर्थ क्या है? विकास तीर्थ हम उसे कह रहे हैं जो इन 9 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार ने एक नए आयाम समाज में स्थापित किए हैं। वह आयाम इमारतों के रूप में भी हो सकते हैं, योजनाओं के रूप में भी हो सकते हैं और कार्यकर्ताओं के जीवन स्तर को सुधारने के रूप में भी हो सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि आज सड़कों का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। पूर्वोत्तर के राज्यों में देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट में देखिए आप, सभी जगह चौमुखी सड़कों का विकास हो रहा है। आज आप हवाई अड्डे, एयर स्ट्रिप देखिए, उनकी संख्या बढ़ रही है। बाघों की संख्या में आज भारत नंबर वन हो रहा है। आज आर्थिक विकास दर गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में, धान उपार्जन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पूंजी निर्माण के क्षेत्र में, हर जगह भारत आज चौमुखी विकास कर रहा है। कहीं ना कहीं वह माननीय मोदी जी के नेतृत्व के कारण हो रहा है।